पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार के लगभग आधी आबादी इस वक्त बाढ़ से जूझ रही है। गंडक नदी का बराज, कोसी नदी का बराज के फाटक खुल जाने की वजह से जनजीवन सहरसा, मधेपुरा और कोसी सीमांचल का जो इलाका है इस वक्त बाढ़ की चपेट में आ गया है। और बाढ़ की चपेट में इस वक्त आस लगाए बैठी जनता कि बिहार सरकार कुछ मदद करे। हालांकि बिहार सरकार की तरफ से अभी तक राहत की जो राहत बचाव के जो चीज़ें हैं वो अभी तक नहीं पहुंचाई गई हैं। हेलीकॉप्टर से अभी तक अनाज तक नहीं पहुंचाया गया है, लेकिन चिराग पासवान इस वक्त बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में भी नहीं पहुंच रहे हैं। राघवपुर का क्षेत्र इस वक्त बाढ़ की चपेट में है और चिराग पासवान इस वक्त उनकी मदद करते नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव विदेश में हैं और इधर चिराग पासवान बाढ़ में फंसे लोगों के संकट मोचन बनते हुए दिख रहे हैं। चिराग पासवान ने सहरसा और आसपास के कई इलाकों में जाकर बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राहत एवं बचाव कार्य किए हैं। कई जगहों पर अनाज भी बांटे गए हैं, राशन की व्यवस्था चिराग पासवान की तरफ से की गई है। तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रहा है, इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि चिराग पासवान संकट मोचन बने हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर, पूरी तस्वीर देखिए। अरे नवा कलर दे, नवा कलर दे। हमरा लगे पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली,
8167007। धन्यवाद।